देश दुनिया में फैली कोरोना महामारी ने धार्मिक नगरी मणिकर्ण घाटी की आराध्य देवी मां उपासना के ऐतिहासिक मेले पर विराम लगा दिया है। यानी 12 अगस्त को इस बार ऐतिहासिक धारगण मेला नहीं मनाया जाएगा। कोविड 19 के चलते देवी कारकुन पांच गांव कमेटी व हरियाणा ने बैठक कर जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले ऐतिहासिक धारगण मेले को स्थगित करने का निर्णय लिया है। बता दें, ये पहली बार होगा कि सदियों से मनाया जा रहा धारगण ब्रौत मेला इस बार नहीं मनाया जाएगा। इस मेले में माता के दर्शन के लिए हिमाचल ही नहीं बल्कि दिल्ली, यूपी, पंजाब व राजस्थान सहित अन्य राज्यों से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। हमारे पांच गांव की मीटिंग रखी गई थी। ये हमारा जन्माष्टमी के दिन जो है यहाँ मेला होता है, उसके उपलक्ष्य में जो है आज पांच गांव वालों ने सब ने इकट्ठा करके मीटिंग रखी थी, इसका आगे के लिए क्या करना है। तो कोविड 19 के कारण जो है, महामारी के कारण जो है, ये हमने सब ने यहाँ संज्ञान लिया कि भाई ये जो है सरकार के दिशानुसार जो है इसे जो है नहीं मनाया जाएगा, इसे स्थगित किया जाएगा। और आज पूर्ण रूप से सभी की सहमति से जो है ये निर्णय लिया गया है कि मेला जो है यहाँ धारगढ़ में जो है नहीं मनाया जाएगा, ताकि सभी सेफ रहें। इसलिए आपके माध्यम से हम जो लोगों को भी जो है ये सूचित करना चाहते हैं कि इस बार जो है मेला नहीं मनाया जाएगा, ताकि लोग सभी अपने घरों में सेफ रहें। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुल्लू से मोहर सिंह पुजारी की रिपोर्ट।